भारत आने वाली फ्लाइट्स के उपर कई वे देशों के वलों कई दिन तो रोक लगाई हुई है, जिस कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने ये नहीं समझ आ रहा कि वह की करन। इन देशों की गल करिए इन UAE ते कनाडा का नाम सब तो पहला आता है, क्योंकि इन कंट्रीज़ के भारतीय लोग वड्डी गिणती दे विच पढ़ाई के तौर पर या काम करन दे लई जांदे हन। जिथे एक पासे डायरैक्ट फ्लाइट्स के उपर रोक लगाई है, पर कुछ दूसरे देशों के जरिए मतलब ये कि इनडायरैक्ट रूट के जरिए लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जेकर इत्थे गल करिए कनाडा की, तो अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को काफ़ी वड्डियां मुश्किलों का सामना करना पै रहा है, क्योंकि कनाडा सरकार के वल्लों भारत तो डायरैक्ट फ्लाइट्स से रोक 21 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पर जिन लोगों को कनाडा आने की आग्या है, वह लोग इनडायरैक्ट रूट मतलब कि थर्ड कंट्री के लिए कनाडा वास्ते ट्रैवल कर सकते हैं, पर उन्होंने लिए भी कुछ शर्त नियम लागू हैं। जिवें यात्रियों को उस थर्ड कंट्री के कोरोना वायरस का टैस्ट करवाना पैंदा है, जिस थर्ड कंट्री तो कनाडा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। थर्ड कंट्री जरिए ट्रैवल करने वाला रस्ता कोई सस्ता विकल्प नहीं है, हर कोई इसनों अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ एयरलाइनस के वलों नॉन रिफंडेबल टिकट्स भी दित्तियां जा रही हैं। जेकर देशों के वलों कोई नियम के बदलाव या नवा नियम का ऐलान हुंदा है, तो नॉन रिफंडेबल टिकट के चक्कर च यात्रियों के पैसों का भी नुकसान हो सकता है। इत्थे जेकर असी यूनाइटेड अरब एमराइट्स यानी कि UAE की गल करिए, इत्थे इंडिया के लोग बहुत वड्डी गिणती दे विच काम करते हैं, तो वह भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि UAE सरकार भारत तो फ्लाइट शुरू करन दे मूड विच नज़र नहीं आ रही, लोग वापस UAE के लिए ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। UAE दीयां वड्डियां एयरलाइनस के वलों भारत सने कई होर देशों तो आने वाली फ्लाइट से रोक नूं बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, जिस दे नाल यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं। हुण जो नवी अपडेट सामने आई है, वह भी UAE की वड्डी एयरलाइन एमराइट्स के वलों यह ऐलान किया गया है कि उन्होंने वलों भारत तो आने वाली फ्लाइट्स 7 अगस्त तक सस्पेंड कर दिया गया है। एमराइट्स वलों यह ऐलान बुधवार को किया गया, जिस मुताबिक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका तो आने वाली फ्लाइट्स 7 अगस्त तक सस्पेंड कर दिया गया है। UAE की एक होर वड्डी एयरलाइन जिसका नाम इतिहाद एयरलाइन है, उसके वल्लों भी भारत तो फ्लाइट्स अगले नोटिस तक सस्पेंड की गई हैं। UAE ते कनाडा दोहां देशों के लिए फ्लाइट्स के मुड़ तो शुरू होने इंतजार करने वाले लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा है। हुण देखना यह होगा कि इन देशों दी सरकारां दे वल्लों भारत तो डायरैक्ट फ्लाइट्स कदों शुरू की जाएँ हैं। भारत तो फ्लाइट शुरू करने के बारे तुम की सोचते हो, सानू अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दसो। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर पंजाबी।